तो ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में देश में टॉप पर रहे छोटे से प्रदेश हरियाणा को स्वच्छ जिलों की सूची में भी खास उपलब्धि मिली। केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जोर शोर से लागू किया है। उनमें एक योजना है स्वच्छ भारत और स्वच्छ हरियाणा। हरियाणा में स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार ने वाकई बढ़िया काम किया है। हम बहुत सारे गांव में घूमे, हरियाणा ग्रामीण स्वच्छता में पूरे देश में नंबर एक पर रहा है। कई दिन पहले की बात है, ये सरकार के इस कैंपेन से भी आपको पता लगता है कि हरियाणा ने वाकई छोटा स्टेट होते हुए 2% देश की आबादी होते हुए ग्रामीण स्वच्छता में अच्छा काम किया है, देश में नंबर एक रहा है। कल जो दोबारा से जिलों की सूची आई है, उन जिलों की सूची में हरियाणा के 22 जिलों में 3 जिले ग्रामीण स्वच्छता में चुने गए हैं, उनको पुरस्कार किए गए, रैंकिंग मिली है। इन 3 जिलों में करनाल है, गुरुग्राम है और तीसरा जिला रेवाड़ी है। गौर करने लायक बात यह है कि ये जो संदेश है, आप देखिए, ये पानीपत जिला प्रशासन है, लघु सचिवालय पानीपत। जिला प्रशासन ने सरकार के इस प्रचार को जगह तो दी है, लेकिन इस जगह के लिए देखिए एक ऐसे कोने को चुना गया जहां शायद ही कुछ लोगों की नजर पड़ती हो। ये लघु सचिवालय परिसर का वो एरिया है, एक कोने में इस बोर्ड को अधिकारियों ने इंस्टॉल करवाया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी हो पाएगी कि स्वच्छता के क्षेत्र में हरियाणा ने कितना बढ़िया काम किया आपके सामने है। और एक कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जगह दी गई है, और इसी बोर्ड के नीचे आप देख सकते हैं ये लघु सचिवालय। स्वच्छता के क्षेत्र में हरियाणा ने नंबर एक काम किया है, और इस गंदगी को देखकर आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन कहां खड़ा है। अगर कोशिशें हुई हैं तो सरकारी स्तर पर हुई हैं, मंत्रियों ने, जो विभाग है, नगर निगम, जो लोग स्वच्छता के क्षेत्र में अपना योगदान कर रहे हैं उनके प्रयास रंग लाए हैं, लेकिन जिला प्रशासन पानीपत की बात करें तो बोर्ड को देखिए किस कोने में एक जगह मिली है जहां बहुत कम लोग इसको पढ़ पाएंगे, इसको देख पाएंगे, और उस बोर्ड के नीचे ये हाल देखिए स्वच्छता का। गौर करने लायक बात है। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज।